ओके गाइस, अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ इस लाल बटन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको अपडेशन आते रहे अगर आपने हमने कोई वीडियो अपलोड की हो तो। और जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, हम फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स आपके लिए लाते हैं। तो यार बहुत दिन से आपके लिए कोई भी थीम रिकमेंड नहीं किया था इस चैनल पर, तो सो बहुत दिनों के बाद आज आपके लिए लाऊं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम जो आप अपने कोई भी शाओमी के डिवाइस में इस डे की या फिर इस वीक के लिए ट्राई कर सकते हैं। और मैं इस थीम का लिंक जो है नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको थीम पसंद आती है तो जाकर जो है थीम को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जरूर से वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, हम फ्यूचर में भी ऐसे आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। तो बिना टाइम का आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार इंट्रो प्ले कर दो। दोस्तों ये थीम बेस्ड है एक सुपर हीरो के ऊपर, और अगर आपको सुपर हीरोज पसंद है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। और यहाँ पर बता दूँ ये इस थीम में बेस्ड है मेन कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम आयरन मैन है, और यहाँ पर आपको कुछ आइकॉन्स भी उससे रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको नोटिस कराऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो इसका आयरनिक जो कि हाईलाइट करता है कलर जो कि फ्लेम कलर होता है, जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं आप ब्लरिंग के साथ आपको देखने को मिलता है, और आपके आइकॉन्स भी देख सकते हैं कुछ इनोवेटिव के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। और अब मैं अगर आपको फोल्डर की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर के साथ आपको उसका एक लोगो के साथ उसका एक आँख का साइड दिखा रहा है जो कि बहुत ही यूनिक वे में इस थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप नोटिस करेंगे दोस्तों हर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इसको जो है पीछे की तरफ से ग्रीन कलर को हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे आइकॉन्स मतलब कि इस तरह से आइकॉन्स को इस तरह में दिखाया गया है जो कि यहाँ पर आपको बहुत ही यूनिक लुक देता है अपने फ़ोन को यूज़ करते वक्त। तो अगर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का भी इसको इन्होंने फ्लेम कलर में बदल दिया है, मतलब कि आयरन मैन का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था हर आइकॉन के पीछे आपको ग्रीन कलर का एक ग्लो मिलेगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्लेम का या फिर ब्लरिनेस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि फ़ोन डालर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मेन होम स्क्रीन के बारे में और सेटिंग्स के मतलब कि स्टेटस बार के बारे में। तो स्टेटस बार में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो कि डिफॉल्ट स्टेटस बार मिलता है वहाँ पर भी आपको सेम मिलता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रिगर एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पर आपका फ्लेम कलर आपको एक्टिवेट हो जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस थीम को रिप्रेजेंट करने में वो कलर आपको लिए बहुत ही हाईलाइट किया गया है। हर जगह पर आपको यही ब्लरिंगनेस आपको देखने को मिल जाता है। और मैं इस पर्सनली थीम को क्यों पसंद करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हर आइकॉन के पीछे आपको एक ग्रीन कलर का ग्लो कलर देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर नोटिस करेंगे तो देख सकते हैं कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पीछे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का लोगो जो है आपको हाईलाइट किया जा रहा है, और ज़्यादातर आपको हर एक एप्लीकेशन में आपको इसका फ्लेम कलर का हाईलाइट किया गया है। तो करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आता है, अगर पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और हम ऐसे फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और पास ही नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर अपडेट्स के लिए तैयार रहें। और मैं मिलता हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियो में या फिर थीम्स रिकमेंडेशन वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।